सर्वधर्म प्रतीक शहनशाह हफ्ते अकलीम हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सवा सालाना उर्स मुबारक के मौके पर नौजवान संदल कमेटी एवं लायंस ऑफ ताज ग्रुप द्वारा आयोजित इज्तिमाई शादी सर्वधर्म सामूहिक विवाह का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर 5 जोड़े परिणय सूत्रों में बंधे, आइए देखते हैं। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो दिलों को जोड़ता है और सारा जीवन एक दूसरे के सुख दुखों को बांटने का वचन देता है। शादी हो जाने से दोनों परिवार में आपसी बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, लेकिन आजकल जिसके पास बहुत धन है उन्हीं के लड़के लड़कियों की शादी शानदार तरीके से की जाती है। ऐसे में गरीब परिवार के युवक युवतियाँ शादी करने से वंचित रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वधर्म प्रतीक शहनशाह हफ्ते अकलीम हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सवा सालाना उर्स मुबारक के मौके पर नौजवान संदल कमेटी एवं लायंस ऑफ ताज ग्रुप द्वारा आयोजित इज्तिमाई शादी सर्वधर्म सामूहिक विवाह का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर 2 SC समाज, 1 मुस्लिम समाज और 3 हिंदू समाज के ऐसे 5 जोड़े परिणय सूत्रों में बंधे गए। इस मौके पर आरिफ खान इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। ताजनगर नौजवान संदल कमेटी की तरफ से ये जो सामूहिक विवाह रखा गया है बाबा ताज के 100वें उर्स के उपलक्ष में रखा गया है और यहाँ पे अभी 1 मुस्लिम, 2 SC जोड़े हैं और 2 महाराष्ट्रियन हिंदू समाज के जोड़े हैं, तो इनकी शादी का प्रोग्राम हमने रखे है और ये आप जो देख रहे हैं दहेज जो रखा हुआ है ये हमारी कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है और यहाँ पे 4,000 लोगों के खाने की भी व्यवस्था है। इस विवाह समारोह में सैकड़ों लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस मौके पर गिरीश पांडो ने BCN समक्ष जानकारी दी। देखिए, ये नौजवान संदल कमेटी पिछले 28 साल से ताजनगर और दक्षिण नागपुर में बहुत बड़े पैमाने में यहाँ संदल निकालते हैं। इस साल कमेटी के सभी मेम्बरों ने ये तय किया था कि क्यों ना इस साल अपन सर्वधर्मीय एक सामूहिक विवाह लिया जाए। आपको पता है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन जो ताजबाग जो है वहाँ से एक संदेश पूरे देश के लिए जाता है कि अगर सही मायने में सर्वधर्म समभाव का अगर कहीं से प्रतीक जो कोई है तो हजरत बाबा ताजुद्दीन का दरबार है और उसी को मध्य रखते हुए लायंस क्लब और नौजवान संदल कमेटी के माध्यम से इस साल सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया हुआ है। यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के नव दाम्पत्य है, उसी प्रकार बौद्ध समाज के भी है, हिंदू धर्म के है, सभी धर्म के यहाँ पर 5 अलग अलग समाज के लोग, धर्म के लोग यहाँ पर विवाह जो हो रहा है। मैं मेरे ओर से ये सभी नव दाम्पत्यों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ। परिणय सूत्रों में बंधे 5 जोड़ों को कमेटी की ओर से दहेज में बेड, सिलाई मशीन, गैस, बर्तन, अलमारी दी गई। इस मौके पर अमजद खान इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। जो संगत शरीफ है पिछले 28 सालों से निकाला जा रहा है और अभी 100वें सालाना उसके मौके पे पहली बार हमने ये सोचा है कि सभी धर्म के प्रतीक सरकार ताजी लौलिया ये सभी धर्म को मानने वाले हैं और सभी धर्म इनको मानने वाले हैं। हमने ऐसा सोचा कि पहली बार सर्वधर्म का सामूहिक विवाह रखा गया है, ये हमारा पहला साल है और सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और हम ऐसी ही दुआ करते हैं कि जो नए जोड़े जो शादी में बनने जा रहे हैं सरकार ताजी लौलिया के ये इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जहां 2 आत्माओं का मिलन होता है। शादी एक ऐसा बंधन है जहां राष्ट्रीय एकात्मता दिखती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।